जब नॉर्थ इंडिया में कोई भी हिंदू वेडिंग होती है और सारे की बात आती है, बस एक ही जगह का नाम याद आता है, बनारस। बिल्कुल इसी तरह असम में जब कोई शादी होती है, एक ही जगह है जहां से लोग ट्रेडिशनल असमीज वेडिंग अटायर, जिसका नाम है मेखला चादर, खरीदने की चाह रखते हैं, ह्वालकुसी। ह्वालकुसी को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अहोम किंगडम के अंदर इस गाँव की एग्जिस्टेंस 11th सेंचुरी से है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित ये जगह बुनाई की सदियों पुरानी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। बुनाई की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। अधिकांश परिवारों के पास हाथ से चलाने वाले कारागे हैं, जिन्हें वो ताटखाल कहते हैं। ये ऑलमोस्ट एंटायरली औरतों का डोमेन है और ताटखाल होना हर घर में असम के गांव का एक इंटीग्रल पार्ट है। लोग हाथ से अपने कपड़े खुद बनाते हैं, जैसे मेखला चादर, गामुसा और रुमाल। लेकिन ह्वालकुसी में महिला और पुरुष बुनकर दोनों पाए जाते हैं। मेखला चादर में इस्तेमाल किए जाने वाले एक लोकप्रिय डिजाइन है किंखा। ऐसा माना जाता है कि इस डिजाइन का उपयोग अहोम राजाओं के दिनों से किया जाता आ रहा है और इसमें दो सामने वाले शेर शामिल हैं। कुछ और पॉपुलर डिजाइन है गामखारू, जो एक कलाई बंद होता है, या जुनबिरी, आधा चांद का आकार का लटकन, जो असमीज ज्वेलरी से इंस्पायर्ड है। एक और पॉपुलर डिजाइन मोटिव है असम का फेमस वन हॉर्न राइनो। एरी, मुगा, पाट और तुसार सिल्क के मेखला चादर में गोल्ड थ्रेडिंग का काम काफी किया जाता है। ह्वालकुसी में पहले मेटलिक वायर्स यूज किए जाते थे डिजाइन के लिए, जो अब चेंज हो चुका है। इन दिनों रंगीन रेशम के जो थ्रेड्स है वो साउथ इंडिया से खरीदे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुनाई से पहले उन थ्रेड्स को कलर करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ही साबित हो रहा है। टाइम के साथ साथ ह्वालकुसी की इंडस्ट्री में बुनाई बाजार के दबाव में आ चुका है। प्राकृतिक और सिंथेटिक यार्न की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जबकि पारंपरिक बाजारों के लिए पारंपरिक डिजाइन का उत्पादन जारी है, नए रंगीन कपड़े जो अर्बन टेस्ट के हिसाब से है बनाए जाते हैं। जैकोर तकनीक एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन के बड़े पैमाने पर उत्पादन को सक्षम बनाते हैं। नॉट इस पर नजर का अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें।